अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं यखनी के पुलाव। उसके लिए मैंने लिया है ये गोश्त 1 किलो। इसको मैं सबसे पहले ये गोश्त डालूंगी, मैं गोश्त ऐड करूंगी। मैं अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी पहले, ताकि हमारी यखनी तैयार होना शुरू हो जाए। कि मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाला है, या इससे ज़्यादा भी डालूंगी, ताकि यखनी सिर्फ अपने ही पानी में तैयार हो और जब हम इसमें डालें चावलों में तो एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। तो उसके लिए अब हम चाहिए कि ये सौंफ है, सौंफ मैंने 3 खाने के चमचे लिए, ये मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और ये साबुत धनिया है, ये भी इसमें 3 खाने के चमचे हैं, ये ऐड कर दूंगी। लोग इसकी पोटली भी बना के डालते हैं, मगर मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये लहसुन है, लहसुन की 2 पोतियाँ हैं, और ये टुकड़ा है इसका अदरक का, मैंने 3 इस साइज़ के ले लिए हैं अदरक के पीस, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें ऐड करूंगी 2 प्याज, साबुत लिए मैंने, ये ऐसे ही ऐड करूंगी। और ये बस इसमें गल जाएगी, इसकी यखनी तैयार करनी है बस मैंने। और मैंने ये गरम मसाला लिए, लौंगे हैं ये मैंने 10-12 लिए लौंगे, 10-12 काली मिर्चें हैं, और ये दालचीनी पाउडर है, ये 1/4 चमचा है वो डाला है मैंने इसमें। इसमें मैं ये नमक डालूंगी, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल दें नमक। इसमें मैं पानी और ऐड करूंगी ताकि ये भर जाए और अपनी यखनी तैयार हो जाए इसकी। इसको मैंने फुल भर दिया है और अच्छी तरह से अब ये पकती रहेगी, इसकी यखनी तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इसको चावल इसके तैयार करेंगे। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी इतनी देर को ही, जितने गोश्त इसका गल जाए। तकरीबन मैं 1.5 घंटे को रखूंगी इसे, ताकि ये गोश्त इसका गल जाए और अच्छे से यखनी तैयार हो जाए हमारी। ये देखिए नाज़रीन, हमारी ये इसकी यखनी तैयार कर ली हमने, बेहतरीन सी यखनी इसकी रेडी है। अब मैं इसे छान लूँगी, गोश्त अलग कर लूँगी इसका और यखनी अलग कर लूँगी। अब हम इसके चावल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1/2 कप ऑयल ले लिया, और मैं अब इसमें प्याज डालूंगी, 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियाने साइज़ की ले लें प्याज, उसे मैंने चॉप कर लिया। अब उसे मैं लाइट गोल्डन कलर का होने दूंगी, तो हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये गोल्डन कलर हो गया, मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज इसमें से गार्निश के लिए निकाल लूँगी, गार्निशिंग करूँगी इसकी, तो थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक पेस्ट मैं डालूँगी, ये भी 1 खाने का चमचा भर के है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा। इसमें मैं डालूंगी साबुत गरम मसाला डालूंगी, इसके लिए लौंगे हैं यही तकरीबन 10-12 हैं, और काली मिर्चें भी 10-12 हैं, और ये दालचीनी पाउडर 2 चुटकी के मुताबिक मैंने डाली है। अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने गोश्त बॉईल किया था, जिसकी यखनी बनाई थी, उसको मैं साथ इसके ऐड कर दूंगी, ताकि इसका भी इसके अंदर भी टेस्ट आ जाए बहुत अच्छा सा मसाले का। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला मैंने नमक कि ये हमने यखनी में डाला था नमक, तो हम बाद में चख के डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी इसके साथ। बहुत मज़ेदार सी थी, तैयार हो जाती है ये यखनी की पुलाव। और आप लोग ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी।
और आप लोग ट्राई ज़रूर करेगा और बताइएगा ज़रूर फीडबैक में कि आप लोग को बना के कैसा लगा। ये हमारा भुन गया है, अब मैं इसमें डालूंगी ये चावल मैंने भिगो लिए थे, ये मैं चावल डाल रही हूँ, मैंने इसको धो लिया था चावलों को और मैंने सिर्फ 5 मिनट तक इसको मैंने रखा है पानी में और फिर मैंने हटा लिया। देखिए हमारी यखनी में पकेगा, अब मैं इसमें डालूंगी यखनी। चावलों के मुताबिक मैंने यखनी को रखना है, क्या हमें कितनी ऐड करनी है यखनी। अब मैं इसमें ये यखनी ऐड कर दूंगी। से अब हम थोड़ा सा जोश आ जाएगा, इसमें मैंने ये डाला है तकरीबन 1 इंच से ऊपर, मैंने ये चावलों के 1 इंच से ऊपर तक पानी आ रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल दूँगी मगर ये इसी पानी में हो जाएंगे। मैं चावलों को थोड़ा सा ढक दूँगी, फिर 2 मिनट बाद फिर इसके अंदर हम चमचा चलाएंगे ताकि चावल नीचे बैठ ना जाए। अब इसे हम ढकना हटा के देखते हैं, 2 मिनट हो गए हमारे, देखें बहुत अच्छे से ये चावल इसमें पक रहे हैं। मैं चमचा चलाती हूँ, अब इस स्टेज पे मैं नमक चखती हूँ इसमें कि इसमें नमक कैसा हो रहा है, इसमें नमक की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इसे चख के देखती हूँ। इसमें हल्का सा नमक डलेगा, चावलों में हम थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं ताकि ये दम पे जब रख दिए जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल सही हो जाता है इसका नमक भी। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी, इसमें हम ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, इससे कि चावल टूटने का भी डर रहता है, तो बस इसमें पकने देंगे। देखिए बस चावल हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊँगी ताकि इसका पूरा पानी जल्दी से खुश्क हो जाए और मैं इसे दम पे लगा दूँ। बस थोड़ा सा पानी इसमें अभी और है, देखें बस ये चावल हमारे हो गए, इसका पानी खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी और है तो मैं इसे पूरा ड्राई होने दूंगी, फिर मैं इसको ढक के रखूंगी। देखें इसका पानी खुश्क हो गया है, मैं इस पर हल्का सा जर्दे का रंग डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया, 3 टेबल स्पून इसमें डाला है हमने जर्दे का रंग। अब मैं इसे दम पे रख दूंगी हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे हमें इसे दम पे रखना है और फिर ये तैयार हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए अभी हमारा दम हो चुका है, इस पर 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे हटाती हूँ। देखें कितना बेहतरीन से चावल हमारे ये रेडी हैं, क्या ज़बरदस्त चावल बने हैं, बहुत मज़ेदार से। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ चावलों को। हमने जो प्याज तली थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। हमारी यखनी की पुलाव तैयार है मज़ेदार सी, आप भी ज़रूर ट्राई करेगा आप लोग और बताइएगा फीडबैक में कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आज की। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।